So hello everyone, in this video I will discuss the 5 interview questions that will help you to crack the master's admission in JMI. Okay, so I will discuss the questions which is related to your interview of social work and human resource management. Okay, so before I begin, here are a few quick things you have to remember. Okay, so when you are going for an interview, things you have to do. Okay, so first you have to dress smart. The interview notices your dress because as you have heard that first impression counts. Okay, so your dress says about you. जब भी आप interview के लिए जाओगे सबसे पहले जो interviewer होता है वो आपकी dress को देखता है. Okay, that आपने क्या पहन रखा है, ठीक है. So that's when you have an opportunity to make a good impression. Okay, the first thing to ye ki dress smart. Second thing you have to do, you have to prepare your own question. Okay, this is very important. Okay, if they will give you time after an interview ki aap unse koi bhi question pooch sakte hain, to that's the time that you can make your impression. Okay, because when you prepared your question so that you can ask from interviewer at the end of interview, and this will make you stand out and show your interest. Okay, so it would be anything related to your career or course or university, anything. Okay, aap kisi bhi cheez ke liye matlab kisi bhi cheez se related ho sakta hai wo question, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कोर्स में आप एडमिशन के लिए आए उससे रिलेटेड हो सकता है, या आपके कैरियर गोल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है. तो दो चीज़ें कौन सी हैं ये, कि यू हैव टू ड्रेस स्मार्ट एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू प्रिपेयर योर किलर क्वेश्चन. ओके, दैट यू कैन आस्क फ्रॉम द सॉरी एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. ओके, ये 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एमए सोशल वर्क और एमए एचआरएम में, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दे विल आस्क यू अबाउट दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा उनके सामने. ओके, वो हमेशा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ओके, सो इसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग फॉर टू लॉन्ग. ओके, तो उससे क्या होता है कि इट विल लूज इंटरेस्ट. ओके, इंटरव्यूअर जो है वो आपकी पूरी राम कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा है. आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. ओके, व्हाट यू हैव डन इन ग्रेजुएशन, ठीक है. इतना हो जाएगा, बस इतना आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, ठीक है. तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर लो पहले. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप एक पेपर पे जो है अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो अच्छे से हो पाएगा इंटरव्यू, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हर कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है. द सेकंड क्वेश्चन इज या व्हाई हैव यू चूजन दिस कोर्स. ओके, अगर एमए सोशल वर्क का है या एमए एचआरएम का है तो वो आपसे हमेशा ये पूछेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया. ओके, एंड इफ यू आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइक यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, यू आर नॉट फ्रॉम द सोशल वर्क बैकग्राउंड, सो दे विल श्योरली आस्क यू अबाउट दैट व्हाई यू हैव चूजन दिस कोर्स. ओके, व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज दिस कोर्स, क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, आपने क्यों चूज किया ये कोर्स, आपका इंटरेस्ट था नहीं था, ठीक है. तो इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर सकते हो एक आंसर, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, ठीक है. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. इसमें जो है यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग, लाइक यू कैन मैंशन योर सॉफ्ट स्किल इन स्ट्रेंथ. ओके, सॉफ्ट स्किल्स, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एबिलिटी टू वर्क विद द पीपल, एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर. ओके, एंड कुछ भी आप एनीथिंग यू कैन हाईलाइट इन दिस. ओके, और वीकनेसेस में आप जो है कोई भी अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं. और इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं कि आपने इस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए अब तक क्या किया. ओके,
तो आप उसके ऊपर जो है वो बता सकते हैं कि इस वीकनेस को आप इस तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, और आप इसके लिए क्या 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 स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में, ठीक है। दी फोर्थ क्वेश्चन दे विल आस्क अबाउट दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स टाइम, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ठीक है। और मोस्टली ये होता है कि वो आपसे अगर क्वेश्चन करते जाते हैं तो या तो ये क्वेश्चंस पूछेंगे कॉमन, या क्या होगा कि आप अगर अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे तो उसके बाद ही वो क्वेश्चंस में से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपने ये बता दिया कि आपकी गुड डिसीजन मेकिंग पावर है, इट इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है, सो दे विल आस्क यू अबाउट दैट आपका गुड डिसीजन मेकिंग पावर है, आपको कैसे पता चला, ठीक है, आपने क्या ऐसा किया जो आपको लगता है कि यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ, ये JMI के कोर्सेज में पूछा जाता है कि आपने और जगह अप्लाई करा है, और जगह अप्लाई करा है तो किन कोर्सेज में किया है और क्यों किया है, इफ़ यू हैव अ इंटरेस्ट इन दिस कोर्स सो व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर अदर कोर्सेज ऑल्सो, ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो MA सोशल वर्क का हो या MA HRM का हो, ठीक है। इसके अलावा जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके करंट अफेयर से, ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर से ये रहता है कि कोई भी, मतलब आजकल जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं तो उसके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। एंड गाइज गुड लक, ओके, आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाएं HRM में और सोशल वर्क में, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।